सो गाइस आप देख रहे हैं कि हम उसी रेलवे पटरी के पास मार के कुछ दिन पहले आपने देखा था कि कुछ लोगों ने वहाँ पे ट्रेन के सामने आके जान दी थी। आज हम उनकी पूरी सच्चाई बताएंगे किस कारण से उन्होंने अपनी जान दी थी और कौन वो लड़की थी उसके बारे में सारी सच्चाई हम बताएंगे। तो गाइस उसी जगह चलते हैं और उस जगह बताएंगे कि किस जगह उनकी मौत हुई थी। तो गाइस चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं देखो पूरी टीम के साथ में आया हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गया। देखिए रात के कम से कम अभी गूगल से टाइम पूछते हैं क्या टाइम हो रहा है। गूगल टाइम क्या हो रहा है अभी? टाइम इज़ 9:50 PM। सो गाइस आप देख रहे हैं कि 9:50 PM हो रहा है, रात की 10 बजने वाला है। और मैं पूरी टीम के साथ में आया हूँ और हम जा रहे हैं उसी जगह पर जहाँ पर वो दो लोगों ने अपनी जान दी थी। और गाइज़ हम वो भी बताएंगे उस लड़की का घर यहाँ से कितनी दूरी पर है और किस साइड में जाएगा। लेकिन अपन वहाँ बस लोकेशन देख आएंगे, अभी वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि रात का टाइम हो रहा है, वहाँ जाना काफ़ी रिस्क है गाइज़। सो गाइज़ देखो ट्रेनें यहाँ पास में से जो दूसरी वाली पटरी है वहाँ से ट्रेन वगैरह जा रही है, तो वहाँ से आवाज़ आ रही है। और रात का ही टाइम है काफ़ी। देखो गाइज़ पूरा ड्राउनी जगह है पूरी। तो गाइस आपने सुनने में भी आया कि मतलब जो दो लोगों ने जान दी थी उनकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है और यहाँ पर काफ़ी रात को 12-1 बजे करीबन रोने की आवाज़ आती रहती है। और यहाँ लगभग कई मतलब पब्लिक से सुना भी है कि यहाँ पे मतलब रात को वो इधर से उधर भागते हुए नज़र भी आते रहते हैं। और सुनने में भी आता है कि मतलब रोने की आवाज़ के साथ में आई लव यू जान ऐसी भी आवाज़ें पुकारी जाती है रात को। तो गाइस उनकी आत्मा अभी तक भी भटक रही है। और रियल में इस कारण से ये रात का रास्ता देखो यहाँ पर मेन रोड है लेकिन सुनसान पड़ा रहता है। यहाँ रात में मतलब 12-1 बजे बाद में तो कोई भी नहीं निकलता, पूरा सुनसान रोड जाता है। बहुत ही जल्दी वो जगह आने वाली है जहाँ पर उनकी मौत हुई थी। लेकिन गाइस अब क्या है कि पूरा इन रेलवे पटरी का काम चल रहा है इसलिए पूरी पत्थर वगैरह चेंज हो गए, इसलिए वहाँ पर खून वगैरह कोई नज़र नहीं आ रहा। और वो मतलब लोकेशन काफ़ी चेंज हो गई क्योंकि अभी रेलवे का काम चल रहा है। आसपास में देखो पूरा मतलब व्यू पूरा ही चेंज हो गया है क्योंकि काफ़ी दिन पहले उनकी मौत हुई थी। और उनकी आत्माएँ तो भटक रही है, भले ही पटरियों का काम हो गया, पूरा काम चेंज हो गया, लेकिन वहाँ पर उनकी आत्मा पर रियल में अभी भी वहीं भटक रही है गाइस। तो हम वहाँ देखो काफ़ी आगे आ गए। अब रात को हमको डर लग रहा है, आगे चलने का मन भी नहीं कर रहा। टीम आप चलना चाह रहे हो आगे? तो चलो थोड़ा सा और आगे। अभी लोकेशन जस्ट इस पुल के पास में थी, हम वहाँ चल के आएंगे। अभी थोड़ा सा काफ़ी डर लगता है, कोई भी आना नहीं चाहता, लेकिन तो भी हम आए हैं रिस्क लेके आपके लिए वीडियो बनाने। तो इसके लिए आप वीडियो को जरूर लाइक कर देना गाइस और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसे ही लवरों के रिलेटिव वीडियो इस चैनल पे मिलती रहेगी आपको। तो गाइस थोड़ा सा हम आगे चल के देखेंगे, तो आगे ज़्यादा आगे नहीं चल पाएंगे। उस पटरी पर चलते हैं क्योंकि उसी पटरी के पास में वो जगह आएगी जहाँ पर उनकी आत्महत्या करी थी उन्होंने जाके। वो भी जगह आ गई देखो, यहाँ पर उन्होंने दोनों लवरों ने यहीं पर जान दी थी और पटरियों के सामने आके मतलब पटरी पर आके सो गए थे और उनके धड़ अलग हो गए थे पूरे शरीर से। तो गाइस देखो ये रहा वो जगह, मतलब पूरा मुझे याद है, मैंने उनको देखी थी, उनकी वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई थी। देखो गाइस ये वो जगह है यहाँ पर उनकी हुई थी। लेकिन यहाँ क्या अभी पटरियों का काम चल रहा है इसलिए पूरा खून साफ हो गया है, पटरियों को भी काफ़ी हाइट पहुँचा लिया क्योंकि अभी गाइस यहाँ रेलवे का काम चल रहा है अभी। तो काफ़ी टाइम पहले हुई थी, अभी कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा। ये गाइस काफ़ी डरावनी जगह, चारों तरफ देखो कोई नज़र नहीं आ रहा और ये रोड भी काफ़ी सुनसान हो गया गाइस। तो काफ़ी डरावनी जगह है। तो गाइस लोकेशन तो ये है लेकिन हमें कुछ ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। हम देखो रात की 10 बज रही है, हम पे आए हैं अगर तो हमें कोई आवाज़ आ रही है, लेकिन रात को 12 बजे बाद सुनने में आता है कि ऐसे कोई हादसा होता है, इसलिए हम उस टाइम तो आ नहीं सकते गाइस। लेकिन इस वीडियो में आपका सपोर्ट रहा तो नेक्स्ट टाइम 12 बजे ही बाद इस जगह आएंगे और आपको पूरा व्यू दिखाएंगे कि किस तरह की आवाज़ आती है और कौन यहाँ भागता हुआ नजर आता करता। हम कैमरा लगा के साइड में जाकर घंटे 2 घंटे के लिए बैठ जाएंगे, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड होगा और क्या हादसा होता है यहाँ पर, क्या हुआ था, सब कुछ मतलब उनके साथ में क्या हादसा हुआ था और किस तरीके से ट्रेन में आके सोए थे, सब कुछ व्यू हम आपको दिखाएंगे। तो गाइस हम उस लड़की और लड़के का घर भी यहाँ आसपास में ही है, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हम यहीं पे एंड कर रहे हैं क्योंकि डर लग रहा है और ट्रेन भी यहाँ काफ़ी चल रही है तो हम ज़्यादा रुक नहीं सकते गाइस। सो गाइस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भारत।